दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे अत्यंत ही गंभीर विषय कोरोना वायरस के संक्रमण, आइसोलेशन पीरियड और हमारी सहभागिता पर बात करना चाहता हूं। दोस्तों आज विश्व जिस वैश्विक आपदा से जूझ रहा है उसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात सतर्कता ही सुरक्षा है के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपील भी की है कि हम खुद को घरों में आइसोलेट करके रखें और स्वनियमन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लगभग सारी सरकारी ऑफिसों की छुट्टी हो गई है तथा प्राइवेट में भी वर्क फ्रॉम होम और पेड लीव की अपील की गई है। दोस्तों इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वो मोदी जी की इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं। वो सब ठीक है, लेकिन जो आपको घर में रहने का मौका मिला है उसके पॉजिटिव साइड को आप अपनाइए और इस कोरोना काल में ये जो ग्रहण लगा है उसमें कुछ सृजन करिए। अपने परिवार के जनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और आप कुछ कुछ नई नई चीजें कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कविताएं लिखते हैं तो कविताएं लिख सकते हैं, किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो किताबें पढ़िए, अपने गार्डन में पौधे लगाइए, तुलसी के पौधे, एलोवेरा के पौधे, डायरी लिखिए, घर में अगर बच्चे हैं जिन्हें आप अपने वर्किंग शेड्यूल की वजह से समय नहीं दे पाते हैं आप बच्चों को समय दीजिए, बुजुर्गों की बात सुनिए और कुछ नहीं तो फिर फ्यूचर प्लान बनाइए, प्रेजेंटेशन लिखिए। जिनके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं वो अपने आगे के लिए तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कहाँ कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने हैं उसके लिए तैयारी करें और जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। घर में अगर रहना ही है तो आप नए नए पकवान बनाना सीख लीजिए और बचपन का वो शौक़ जो कहीं दब गया है, जो कहीं रुक गया है उसको पूरा करिए। नए नए खेल खेलिए या फिर वो खेल जो हम लुप्त होते जा रहे हैं उन खेलों को फिर से जीवंत करिए। उक्का बुक्का तीन तड़ोका जैसे खेल जो आजकल के बच्चों को मालूम भी नहीं है उनको सिखाइए। बचपन का वो दोस्त जो कहीं छूट गया है उसे कॉन्टेक्ट करिए। एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए, अदरक इलायची की चाय बनाइए, अपनी अलमारी को साफ करिए, किताबों से धूल हटाइए और वो अपने पुराने कपड़े जो आपके वार्डरोब में बैठे बैठे जगह घेर रहे हैं उनको अलग करिए। फिर जब जनजीवन सामान्य हो जाएगा तो उन कपड़ों को ज़रूरतमंदों को दान दे दीजिए। अपने घर और अपने मन को साफ करिए क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें घर और मन दोनों की सफाई के मौके नहीं मिल पाते हैं। डिक्लटर करिए चीज़ों को। दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, जी है, इन सब का शोषण करिए। वेब सीरीज़ देखिए, यूट्यूब पर पुरानी फिल्में देखिए, नई फिल्में देखिए, साउथ की फिल्में देखिए, रवि तेजा की, अल्लू अर्जुन की, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलिए। क्योंकि अभी घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप मोदी जी के फॉलोअर हैं या आलोचक हैं, कुछ भी हैं, लेकिन राष्ट्रहित में और वैश्विक हित में जनता कर्फ्यू का पालन करिए, घर में रहिए और इस विध्वंस के समय में सृजन करिए। यही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे परिवार के लोगों के लिए अच्छा होगा और समाज के लिए अच्छा होगा। अंत में मैं निदा फाजली की दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं,
उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। दोस्तों, खुद को आइसोलेट रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कहीं बाहर नहीं निकलिए, और खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। यही मेरी आपसे अपील है और यही हमारी सहभागिता होगी इस ग्रहण काल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।